दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऐसे बेसिक इम्पॉर्टेंट ट्रिक को बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आपका आईटी कंप्यूटर गुरुजी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एमएस वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमको बहुत बार एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमको गाइज अपने डॉक्यूमेंट में लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपली क्या करते हैं, जहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे सपोज हमको ये जो हमने वर्ड लिखा है आईटी कंप्यूटर गुरुजी, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप बॉर्डर में और ये डाउन एरो पे क्लिक करके अगर हमको नीचे लगाना है तो हम यहाँ से बॉटम बॉर्डर पे ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ये लाइन सीधी स्ट्रेट ड्रॉ हो जाती है। एक तो ये तरीका है, यहाँ से इसे हम हटा देते हैं गाइस, नो बॉर्डर कर देते हैं जाके। दूसरा तरीका क्या है, आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, वहां से आप शेप ऑप्शन में जाके ये लाइन चूज करते हैं और लाइन चूज करने के बाद आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें कभी कभी देखिए ये लाइन जो है ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर हमको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट की के साथ जब हम ड्रॉ करेंगे गाइस कोई भी लाइन, तो देखिए ये एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ होगी। ये भी आपने तरीका अपनाया होगा जब भी आपको कोई लाइन डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करनी होती है। अब मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, ये आपको इन दोनों ऑप्शन से फास्ट वर्क करेंगे और आपको ऑफिस वर्क के लिए स्मार्ट भी बनाएंगे जिसमें आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है डॉक्यूमेंट में तो आप कीबोर्ड से माइनस का साइन 3 बार प्रेस करिए, 1 2 3, और उसके बाद इंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर हमको इससे थोड़ी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है गाइस तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ माइनस का साइन प्रेस करिए, अंडरस्कोर का सॉरी, 1 2 3 बार ही प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए उससे थोड़ी मोटी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और सपोज अब हमको थोड़ी डिफरेंट लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों लाइन के कंपैरिजन में, तो आप शिफ्ट की के साथ स्टार की प्रेस करिए 3 बार और फिर वापस आप इंटर की जैसे प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हमको डबल लाइन ड्रॉ करनी है डॉक्यूमेंट में तो आप इक्वल साइन 3 बार प्रेस करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए डबल लाइन ड्रॉ हो जाएगी डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड सपोज अगर आपको इससे भी ज्यादा मोटी लाइन चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप 3 बार हैश का साइन टाइप करिए और उसके बाद आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए इस तरह से एक मोटी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर कुछ वेवी लाइन चाहिए डॉक्यूमेंट में तो आप जो टिल्ड का साइन होता है कीबोर्ड में, इसको आप प्रेस करेंगे 3 टाइम के लिए, यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं 1 2 3 बार प्रेस करूंगा और इंटर की प्रेस करेंगे गाइस देखिए इस तरह से वेवी लाइन आएगी डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये गाइस कुछ लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रिक थे, जिसको आप डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट कर रहे हैं आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो इसमें से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करना चाहें तो ये ट्रिक आप इजीली यूज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस बुलेट्स एंड नंबरिंग की। अगर हमको डॉक्यूमेंट में बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन का यूज करना है गाइस, तो सपोज अगर हमको नंबरिंग ऑप्शन यूज करना है तो आप यहां से जाके नंबर का कोई भी फॉर्मेट यूज करते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड से करना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम 1 से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1 लिख के डॉट लगा के स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे तो नंबरिंग एक्टिवेट हो जाता है और यहां से देखिए आप इसको इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं उसी फॉर्मेट में। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको इसको अल्फाबेट स्टाइल में नंबरिंग स्टार्ट करना है तो आप चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिख के डॉट लगाएंगे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो भी देखिए ये एक्टिव हो जाएगा नंबरिंग का ऑप्शन और यहाँ से अब हमारा ये अल्फाबेटिकली ABCD ये लेबल बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप नंबरिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे अल्फाबेट के अलावा अगर हमको नंबरिंग स्टाइल में इसको रोमन अंक में लिखना है गाइस तो आप आई प्रेस करिए और डॉट लगा के स्पेस बार प्रेस करेंगे तो देखिए हमने स्मॉल आई प्रेस किया तो इसलिए जो रोमन अंक इसमें स्टार्ट होगा ये स्मॉल लेटर में होगा, अगर आप इसे कैपिटल आई से स्टार्ट करते तो कैपिटल लेटर में रोमन अंक के साथ ये नंबरिंग ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता। अब सपोज इसका इंडेंटेशन खिसकाना है लेफ्ट साइड से गाइस तो आप सिंपली किसी भी एक नंबरिंग ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे
उसके बाद उसके ऊपर आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जैसे आप दाएं साइड में ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा दाएं साइड शिफ्ट हो जाएगा। वापस इसको हम बाएं साइड लाना चाहते हैं तो हम ऐसे कर्सर को हम बाएं साइड भी खिसका सकते हैं। अदरवाइज कीबोर्ड से टैब की प्रेस करके भी खिसका सकते हैं। वापस से आपको लाना है तो आप सिर्फ टैब करके जो इंडेंट है इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था गाइज नंबरिंग ऑप्शन का यूज। सेम ऐसे अगर आपको बुलेट स्टाइल यूज करना गाइज तो उसके लिए आपको बुलेट में यहाँ पे यहाँ से भी जाके आप डिफरेंट बुलेट स्टाइल चूज कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्टकट से करना चाहें तो आप कीबोर्ड से स्टार की प्रेस करिए और स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो देखिए ये बुलेट स्टाइल एक एक्टिव हो जाएगा। अब सपोज हमको कोई दूसरा बुलेट स्टाइल चाहिए तो आप उसके लिए कीबोर्ड से ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे और स्पेस बार जैसे आप प्रेस करेंगे गाइस तो देखिए इस तरह का बुलेट स्टाइल का जो ऑर्डर है ये आ जाएगा। इसको भी हम डिलीट करके एक दूसरा बुलेट ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंट में एक बार माइनस का साइन प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करेंगे गाइस तो इस तरह से कुछ बुलेट स्टाइल आएगा एक्टिव होगी। अदरवाइज अगर आप माइनस का साइन दो बार प्रेस करेंगे, इसको मैं डिलीट करके यहाँ से दो बार माइनस प्रेस करके जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो इस तरह से बुलेट स्टाइल एक्टिवेट होकर आएगा जिसको आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप माइनस साइन के साथ आप ग्रेटर देन लगा के फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इस तरह एरो का बुलेट स्टाइल एक्टिवेट होके आएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आप इक्वल का साइन लगा के ग्रेटर देन प्रेस करके स्पेस बार दबाएंगे गाइस तो इस तरह से एरो का बुलेट स्टाइल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग के शॉर्टकट्स जो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अब सपोज गाइस अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको स्माइली इमोजीज इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए भी आप कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ये तीन शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो क्या स्माइली क्रिएट होके आएगा मैं आपको करके बता देता हूँ। कॉलन के साथ अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे राइट वाला तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे गाइस तो इस तरह से स्माइली आ जाएगा। और दूसरा में अगर हमको इस तरह से हमको स्माइली क्रिएट करना है तो ब्रैकेट हम जैसे प्रेस करेंगे देखिए इस तरह से स्माइली आ जाएगा। और अगर हम कोलन के साथ ये वाला सिंबल इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से स्माइली आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ स्माइली भी चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थे गाइस कुछ एमएस वर्ड के बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल आईटी कंप्यूटर गुरुजी पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।